चार पांच दुकान और देख लेंगे, चार पांच तो चार पांच भी नहीं देखे। हाँ दीदी ऐसे ही नाटक करती है। अच्छा दो तीन दुकान और देख लेंगे फिर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लेना। यहीं बैठ जाते हैं ना, मुहूर्त निकल जाएगा शादी का, हम लहंगा ही देखते रह जाएंगे। इस लड़की का यही है। तुम कम नहीं हो गोमती। अरे लड़की है, शादी लगी है, इतना सा स्ट्रेस हो गया है, उसमें तुम चिल्लाए जा रहे हो। किसी को बोलना ही कुछ पाप है भाई, अपने मर्जी का कर लो तुम, तुमको जो करना है तुम कर लो, जाओ। चेहरा देख रही हो मेरा, सारा ग्लो उड़ गया है। सात आठ, अरे इतना महंगा लहंगा लेना है तुमको, देख सुन के लेते, कैसे जो पसंद आए ले लेते। चुप रहो ना, तुम मत बोलो, अपना ले लेगी। नहीं, मैं कुछ बोल मेरी फ्रेंड प्रियंका थी ना, उसकी शादी हुई थी, उन्होंने रिकमेंड किया आपका स्टोर किया डिज़ाइनर। मेरी शादी है तो थोड़ा ब्राइडल वेयर दिखाइए ना, पेस्टल्स में दिखाओ, समथिंग लाइक पिंक पीच रेड मरून में दिखाइए। आप एक काम कीजिए, दोनों मिक्स दिखा दीजिए, एक पिस्तौल दिखा दीजिए, एक लॉल दिखा दीजिए, एक मैरॉन दिखा दीजिए, सबका हो जाएगा इसी में है? हाँ मिक्स मिक्स में दिखा दीजिए, मिक्स मिक्स दिखा दीजिए। आप मुझे दिखा दीजिए ना वहाँ चल के। मम्मी आप बैठो, चिल करो, मैं देख के आती हूँ। शोरूम तो अच्छा है। हाँ बड़ा तो है शोरूम, हम तो टहले ना पाए उसमें, घूमते हमारा घुटना ही दर्द करने लगेगा। ये सब रिसेप्शन गाउंस है ना? नाइस। पर मैं रिसेप्शन पे साड़ी पहन रही हूँ बनारसी, मेरी सास बहुत इंसिस्ट कर रही है, आई डोंट लाइक द साड़ी एंड ऑल। अरे कुछ कुछ तो मानना ही पड़ेगा। मम्मी ये कितना प्रिटी है, क्यों नहीं पहन सकती रिसेप्शन में गाउन? देखिए उसको क्या पसंद आया। शादी करा रहे, हिटलर के घर भेज रहे। मम्मी ये नहीं, वो नहीं लेना। ए अरे वो कैसा फीका फीका लग रहा है, मुझे वाला ट्राई करना है। ट्राई कर सकते हैं क्या? ये वाला ट्राई कराइए ना भाई साहब, कुछ ब्राइट में दिखाइए ना, जैसे रेड। सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, आजकल पेस्टल ही चल रहा है। अच्छा तो है, वो नहीं लेना है। हाँ पर दुल्हन वाला मजा नहीं यार। एक काम कीजिए ना, ये वाला दिखाइए, ये जो है ये लॉल वाला अच्छा है, दम चटक। ये वाला, ये देखिए दीदी कितना बढ़िया है। हाँ ये होता है दुल्हन का जोड़ा, वो देखिए उसके सामने ये, इसके सामने वो, कौन सा अच्छा लग रहा है? भाई साहब आप बताइए। नहीं ये पहन के उसको पहना दीजिए, ट्राई कर लो। जच रही है ना, ऐसा लग रहा है यही शादी करा दे पंडित वंडित दूल्हा वाला बुला के। कितना नहीं यार ये कितना क्लीशे है, ये लाल लाल दिसंबर में शादी हो रही है, मतलब क्या सांता बन के लाल पहन के घूमना है? सांता जोक मार, बस सांता ही लाल कपड़े पहनता है, है? मम्मी आप चुप रही। मासी शादी हो गई फिर लाल कहाँ पहनूं मैं, किसकी शादी में मैं, मतलब दूसरे की शादी में मैं दुल्हन बन के जाऊँ? लाल ही पहनना है आपको, पहनना ना आप हटो। मम्मी आप ही पहन लो, ये लड़की दिमाग है। अरे दीदी इसकी सास ने भी बोला है कि देखिए जोड़ा लाल करवा दीजिएगा दुल्हन का, बाकी कोई इनकी मांग वोंग इतनी नहीं थी। अभी इतना अंडरस्टैंडिंग ससुराल मिला है उसमें भी इनको, शादी मेरी है सास की है। हाँ तो मैंने नहीं पहनना लाल, मैं पहनूंगी पेस्टल, मैं ग्रे पहनू, ग्रे दिखाइए भाई। इसकी शॉपिंग हो भाई, मेरा काम खत्म हो, मेरा ना एकदम तबीयत खराब होते जा रही है मेरी इसी में। मैरॉन है तो दिखाइए, इतना बड़ा दुकान है मैरॉन कलर ही नहीं, हमें तो मैरॉन ही अच्छा लगा। ये कितना भारी है बट बहुत सुंदर है। उठाया नहीं जा रहा है इनसे, क्या पहनेंगी ये? मम्मी ग्रे पहन लूं, अच्छा लग रहा है ना ग्रे कलर, तो हमें इसे चटक ही अच्छा लगता है। नहीं जैसे एकदम चटक हो ना, तो सब दुल्हन है खूबसूरत अंदर से लगती है। हम कुछ नया खुद से बना सकते हैं ना, खुद का भी तो ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अभी अंकिता लोखंडे ने गोल्डन पहना था ना, अरे पहनती होंगी लोखंडे और सोना और चांदी का भाई, आजकल सब कलर चल रहे हैं, गोल्डन क्या ग्रे सिल्वर ब्लैक ब्लू सब पहन रहे हैं। ग्रे नहीं तुम काला पहन लो, तुम बेटा मैक्सी और नाइटी में शादी कर लो, हम क्यों हैं? हम चलते हैं जी, चलिए। सब फिरंगे कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, अब दुल्हने वो सफेद पहनने लगेंगी वेडिंग गाउन। लाली लाली अच्छा रहता है, लाली पहना जाता है, लाली पहनना चाहिए। भैया इसका क्या प्राइस है? लाख? ये ग्रे का लाख? भाई हमारे समझ में कभी नहीं आएगा फैशन, ग्रे का लाख, एक लाख असली डायमंड है क्या ये? इतना भारी बना दिया इसके लिए 1 लाख है, ऐसी कोई 1 लाख वाली बात है नहीं इसमें, बस वजन वजन के पैसे हैं। कौन पहनता है ऐसे? भैया ऐसे क्यों डिजाइनर बनाते हैं ये रंग के,
कौन सी दुल्हन खरीदती है ग्रे? कोई खरीदती है? हाँ? बताओ। हाँ कह रहे हैं, मतलब खरीदती तो होगी। मैं तो ना खरीदू कभी। ऑरेंज, केसरी में कुछ है? लाल दिखा दीजिए। मैरून नहीं रखे हैं। ये है गुलाबी, ये पहन के देखो बेटा, इसका ट्रायल ले लो, यही चल रहा है आजकल। A few moments later. 1.5 घंटे हो गए भाई। चलो नेहा, आ रही हूँ यार मम्मी। इन्हों को लग रहा है मेले में आई हैं, हैं? झूला झूल रहे हैं। कितना भारी है ये? 6.5 किलो का है। अरे मैं खुद 65 किलो की हूँ, ऊपर से ये 6.5, ऊपर से वो झूला बनाएगी, झुमके ये वो, कुल मिला के 100 नहीं हो जाएगा? स्ट्रेस हो रखा है यार। ये फटाफट ले दे के खत्म करना चाहिए ना यार। दुल्हन पे छोड़ दो ना, क्या पहनना है उसको, क्या नहीं पहनना है। मॉडलिंग कराने मुझसे, थक गई यार मैं। कितना भारी है ये, वर्कआउट हो रहा है यहाँ पे, सलाद खिला खिला के वर्कआउट करा रहे हैं। उठाने वाला 2 आदमी चाहिए इसको। नहीं उठा जा रहा। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, 5 मिनट का। मेरा बस चलता ना, मैं जीन्स में ही शादी कर लेती, बस मैं फोटो अच्छी नहीं आती है, इसके लिए ये सब करना पड़ रहा है अभी। ये स्कैम है शादी इंडस्ट्री इंडिया में, मैं बता रही हूँ। पर ये कितना सुंदर है, ये देखिए। ये तो ट्रायल में मौत हो रही है भाई, असली फेरे में क्या होगा, कैसे कर लेते हैं लोग। मैं भी करूंगी, माता रानी शक्ति देगी उस दिन के लिए। ये नहीं पहना जाएगा, ये नहीं पहना जाएगा। आई गिव अप। ये मम्मी, ये आ बेटा पहन लो। नहीं वो नहीं लेना है बेटा, मरून बोल दिया ना, रेड और मरून है वो। गोमते तुम चिल्लाने लग जाती हो ना। आप खरीद लीजिए, मैं जा रही हूँ, मेरे पास पकड़ा दो। अरे बच्ची है, मन कर रहा है पहन लेगी। ठीक है जाओ ट्राई कर। हाँ जाओ, उतारिए इसको, बाहर आएगी तो जिद्दी मना कर देंगे। और क्या, समझती नहीं हो, चिल्लाने लगती हो, अभी मना कर देंगे तुरंत मुंह पे। मम्मी अच्छा लग रहा है, ले लेता है ना ये मम्मी। पर बेटा अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी सबने ऐसे हल्के कपड़े पहने हैं, तो अच्छा लग रहा है आपको। अब ये देख लेना, तुम स्टेज पे जयमाल में जब तुम जाओगी और बाकी सबने ऐसे ब्राइट डार्क पहना होगा ना, तब तुमको लगेगा अरे मम्मी सही कह रही थी, लाल जोड़ा ले लिया होता। क्यों पहनना है रेड जब ये इतना अच्छा लग रहा है तो? कितना अलग है ये, सबसे अलग होगा, पता है मेरी सारी फ्रेंड्स से सबसे अलग होगा, सब ऐसे लाल पीला गुलाबी पहन रहे हैं। अरे ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, 2 दिन और देख लो ना। 3 दिन से हम शॉपिंग कर रहे हैं मम्मी। भैया एक रेड वाला उसको। अरे यार नहीं ना, मुझे यही लेना है। नहीं भाई तो बहुत फीका लग रहा है। हाँ दीदी, और नहीं तो देखते, एक नजर में पसंद आ रहा है। ये बढ़िया है, गजब मजा आ रहा है इसको देख। ये फिक्स है भैया, ये पैक कर दीजिए। नहीं कितने का है भैया, कितने का है ये? 75। कौन सा रेड वाला ट्राई करना है? 75। ये इसको थोड़ा ये ट्रायल करा दीजिए प्लीज। देखो दीदी, भाई साहब आप देखिए, आप देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना लाल वाला, मैंने कहा था ना ये वाला अच्छा लग रहा है ना। मासी ले लो यही, इसका वर्क कितना प्यारा है ना मम्मी। मुझे नहीं पता था रेड इतना अच्छा लगेगा मुझ पे। मम्मा कुछ बोलना ही नहीं है, हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। इसमें फील आ रहा है मम्मा, आप सही कह रहे थे, इसमें फील आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी है। देखा आई ना दुल्हन वाली फीलिंग, बोल रही थी ना मैं तुमको, मेरा बोलना ही बकवास लगता है। हो गई गलती मम्मी, लिया क्या पेस्ट। इनको सारा क्रेडिट चाहिए अब। मैंने मना नहीं किया था रेड के लिए। नहीं नहीं मम्मी मैं आपको बताऊँ, नहीं सिर्फ अनुष्का ने पेस्टर पहना था ना, फिर आप देखिए, फिर दीपिका की शादी हुई तो उसने रेड पहना, पीसी की शादी हुई उसने रेड पहना, अभी कटरीना की हुई उसने रेड पहना, सब रेड पहन रहे हैं, सिर्फ एक अनुष्का ने पेस्टर पहन लिया था, तो वो क्या कोई फैशन थोड़ी होता है। असली फील तो रेड में ही आता है। अब नहीं लग रही है सांता, अब बड़ी खुश हो गई है। हाँ सांता ही थोड़ी पहनता है रेड, हमारे यहाँ दुल्हन पहले से रेड पहन रही है। हाँ हम लोग कब से है रेड, रेड इट इज। भैया ये कितने का है? 45। चलो भी पैक करा दीजिए, चले। अच्छा 20 तो करा ही लेंगे। 20 नहीं करेंगे गोमती, 25 करा लेंगे। पार्किंग करा लेंगे, सब्जी खरीदने आए हम हैं, टमाटर है ये 1 किलो, कम करा देंगे भाव। इतने बड़े शोरूम में आके भी ना मिडिल क्लास बन जाता नहीं है ना हमारा। मम्मी हम बहस मत कराओ यार। हल्दी के लिए कितना अच्छा लगता है ना मम्मी,
कितने का आई है भैया? 35,000। पीली साड़ी बुरी है हल्दी के लिए? ब्लू इतना सर दर्द दे रही है, ये अदरक वाली चाय भी काम नहीं कर रही। हो गया ना फिक्स हो गया ना, तो घूमना टहलना बंद कर दो भाई अभी। यार संगीत की भी शॉपिंग यहीं से करनी चाहिए। ये थैंक यू, ये ज्यादा अच्छा है, अब मुझे वो वाला अच्छा नहीं लग रहा। नहीं भाई अब संगीत के लिए ले चुके हैं फिर तो, पहले यहाँ पे आना चाहिए था ना। मैं कब से बोल रही थी आपको यहाँ पे आते हैं किया में, आपने बोला नहीं नहीं पहले वहाँ पे चल लेते हैं, पहचान की दुकान। कितना सस्ता दिया उन्होंने? कोई सस्ता नहीं दिया है। वो वाला आप पहन लो, मैं ये ले लेती हूँ। नहीं हमारा ठीक है, जो साड़ी है हमारी वही, हमको घाघरा नहीं पहनना है संगीत में, लोग बोलेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लग। लोगों का क्या है यार, शादी में लोग तो बोलते रहते हैं। ये वाला ले लेते ना संगीत के लिए, कितने सेक्सी फोटोज आते हैं इसमें, मेरे संगीत के साथ ही कितना सिंक हो रहा है। मुरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ में यही पहनना था मुझे। मासी शादी की बार होती है ना, हम लाइफ में एक बार जीते एक बार मरते, शादी भी एक बार होती है। तो तुमको पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे, तुमको रोका था क्या किसी ने? तुम भी तो घूम रही थी यहाँ वहाँ, वो तो पता नहीं या सब या चाची किसके पास जा रही थी लेने। यार ये कलर भी कितना अच्छा है ना, ये बॉलीवुड और ये अमीर लोग होते हैं ना, उनके ओपन माइंड ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, वो अलग अलग ट्राई करने देते। अभी हम लोग मिडिल क्लास वही करने गए, शादी में लाल, हल्दी में पीला, मेहंदी में हरा, कुछ कोई एक्सपेरिमेंटिंग करने दे रहा है लाइफ में। कितना अच्छा कलर है यार, क्या बुरा है इसमें? अगर ये पहन लिया दुल्हन ने तो क्या बुरा है, क्या है सोसाइटी? मम्मी सच बोलो कैसा लग रहा है ये? वाह ये बढ़िया कलर है, डार्क, बिल्कुल बैंगन लग रही हो, बैंगन लग रही हो। यही है देखा, मिडिल क्लास में हरा पहनो तो भिंडी लग रही है, लौकी लग रही है, कद्दू लग रही है, ऐसे पहनो तो बैंगन लग रही है, लाल पहनो तो टमाटर लग रही है, ये हमको सब्जियां बना के फ्रिज में रख देंगे एक दिन। ये वाला बढ़िया था, गोमती का चाय एकदम घटिया बेकार। क्या है मैं बोल रहा हूँ, इतना खर्चा और हो चुका है तो उस पर और खर्चा मत करो, शादी का चूड़ा लो और चलो। कितना बजट है तो भी और है ना, सारे पैसे इसी में लुटा देने। अरे तुम्हारा मेहंदी का हो गया, हल्दी हो गया, संगीत का हो गया, अभी एंगेजमेंट का उतना खर्चा हुआ था, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। नहीं तो मत करो ना विंडो शॉपिंग। अरे मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, आप क्या जा रहा है? अभी चल के फिर उधर चल के वो फिटिंग भी करनी है। अच्छा आपने इतना टाइम वेस्ट किया तीन दिन मेरा, तब कुछ नहीं। अच्छा तो तुम मौसी के सामने जबान लड़ा रही हो, पटर पटर चप चप चप, मम्मी आप झगड़ रहे हो। फाइनली थोड़ी खुशी मिलती है तो उसमें आके पैसा पूजा करने लगते हैं ये लोग, फाइनल अकाउंट आज ही करना है टैली। दो मिनट की खुशी, दुल्हन को इतना स्ट्रेस क्यों देते हैं इन लोग? देख रहे हो मेरा फेस स्वेलिंग आ गई है, रात रात नींद नहीं आती मुझे, फ्रेश लगना है ना ब्राइड को, दो हफ्ते में शादी है बताइए। अमीर घरों में सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाएंगे, हम धूप में निकल के शॉपिंग करेंगे दो हफ्ते से। हटो ना भैया आप, कुछ और ट्राई करेंगे। नहीं हम भी ऐसे जूड़ा लगा लेंगे, ऊपर से एक पिन लगा लेंगे पीछे। हाँ जूड़ा लगा के गजरा ऊपर लगा लेंगे ना, अच्छा लगेगा, गजरा तो देखेंगे अब रात में। मम्मी ये वाली साड़ी आपके लिए ले लेते हैं ना, फेरों पे ये पहन लेना। नहीं हमारे लिए साड़ी ऐसे अच्छी दिखे। कितने का है भैया? 50। मम्मी की साड़ी हो चुकी है, मैरॉन में होता तो हम 50 में भी ले लेते, ऐसा तो है हमारे। ये लीजिए। कट गया अमाउंट, कट गया ऑफिशियली, लहंगा मेरा हो गया अभी। थैंक यू, क्या ही बचा होगा अभी इसमें, वड़ा पाव के पैसे भी नहीं बचे। ओके थैंक यू बाय। या आई विल टैग यू। वर्क अच्छा, गंजी ना बढ़िया डार्क कलर है। आई गोमती का चॉइस इतना घटिया, अच्छा है ये पर वो दुल्हन वाला लाल में ही अच्छा लग रहा है। चलिए थैंक यू। आना आप चैनल पे सब्सक्राइब कर, शादी में नहीं बुला रही हूँ। हम होते तो बैंगन वाला ही लेते, सबसे अच्छा पोरा वही था। रेड लहंगा ही लिया फाइनली, क्योंकि वो ही अच्छा रहता है,
DIY करके उसको फिर मल्टीपल वेज में बाद में पहन सकते हैं। बट देन नाउ आई अंडरस्टूड कि रेड क्यों लेना चाहिए। नहीं, नॉट दैट सस्ता होता है, इसीलिए महंगा ही है। इनफैक्ट मेरा तो एक्सपेंसिव एटलीस्ट, बट दुल्हन वाला फील एक्चुअली रेड में ही आता है। अच्छा था ना वो पीच वाला, बट रेड वाला ज़्यादा ब्राइडल फील उसमें आता है ब्रो। चलिए फिर मैं शादी में मिलती हूँ अभी। ओके बाय। बस कर भाई, क्या घर तक आएगा। निहारिका कैप्टन एक में आपका बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, बट दिस इज आयुषी, दिस इज किया, हर ब्रांड। ये थाने में ही है गाइस, एंड आयुषी विल टेल अस यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा। या सो बेसिकली वी हैव फ्रॉम कैजुअल कुर्तीज टू साड़ीज, वेस्टर्न लहंगा, ब्राइडल अपैरल्स, ऑल्सो फॉर ब्राइड्समेड, हर एक टाइप का वी हैव कलेक्शन, स्पेशली इन वुमेन्स एथनिक वेयर। सो प्लीज कम विजिट द स्टोर। बाकी के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड एवरीथिंग एल्स यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू आयुषी फॉर लेटिंग अस शूट, शूटिंग विद निहारिका, शी इज एब्सोल्युटली टैलेंटेड। वी कंप्लीटेड द होल शूटिंग थिंग लाइक इन 3 hours समथिंग, और ह्यूज हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज आई हैव सीन लाइफ कितना उनको मेहनत लगता है एक वीडियो के पीछे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमेजिंग कलेक्शन, सीरियसली वीडियो में दिखे गया होगा। सो स्पेशली थाने में रहने वाले लोग एंड पीपल फ्रॉम मुंबई, प्लीज डू कम पे अ विजिट। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक समथिंग, बिकॉज मेरा दिल उस पर आया है।